हम आज आ चुके हैं नेपाल के उस क्षेत्र पे जहाँ जिसको हम तराई बोलते हैं। नेपाल में तीन तरह के जगह होते हैं, एक होते हैं हिमालय, एक होते हैं पहाड़ और एक होते हैं तराई। तो हम अभी आपको लेके आए हैं तराई के क्षेत्र की तरफ, जिसकी खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि गाइज ऐसे खूबसूरत नज़ारा आपको और किसी देश में मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो हम ले चलते हैं आपको हम अभी हैं इस दरिया के। नेपाल में अक्सर तो 5000 से भी ज़्यादा ऐसे छोटा मोटा बहुत ज़्यादा दरिया है, उसके अंदर से एक ये भी है। इस दरिया में जब बाढ़ आता है तभी बहुत पानी फुल होते हैं, लेकिन अभी आपको बहुत कम पानी देखने को मिलेगा। तो गाइज जब यहाँ पे बाढ़ की आती है तब यहाँ पे ये नदी पूरा सैलाब हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत सा नज़ारा, इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। देखिए पीछे कितनी खूबसूरत नज़ारा है। और गाइज आप यहाँ पे भी साइड में देख सकते हैं, ये जो खंडर पड़ा है ये इसी की बाढ़ के नतीजे हैं। और गाइज आगे को आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे पूरा पहले बांध बंधा हुआ था, अभी जब बरसात में पानी आया तो जिसकी वजह से ये बांध अपने आप फूट गया है। और ये पानी डायरेक्ट भारत के बिहार क्षेत्र हुआ होता हुआ और बड़े बड़े नदियों में जाके जा मिलता है। तो गाइज इसे भी बड़े बड़े और ख़तरनाक आपको नदियाँ नेपाल में देखने को मिलेगा, और इससे भी खूबसूरत सीन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज हम आ चुके हैं उस जगह। तो गाइज हम आपसे आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को मेरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से मैं आपको और चीज़ें भी दिखा सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे मुझे मकाम पर पहुँचना है, उस मकाम पर नहीं पहुँच सकते। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे, और चलते हैं थोड़े आगे तक। तो गाइज हम थोड़ी से आगे भी तक भी जाएंगे, क्योंकि आपको दिखाना है यहाँ की खूबसूरती नज़ारा। देख रहे हैं आप पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है। जब भी कभी कभी जब दिमाग इंसान को टेंशन लगा रहता है ना, तो ऐसी जगह आके रहना चाहिए। हम भी आते हैं मेरा एक्सपीरियंस से। तो गाइज आपको अगर मौका मिलेगा तो मेरे नेपाल घूमने आइएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं इसकी तारीफ कभी करके थक भी नहीं सकता। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कुछ खूबसूरत से नज़ारा इस तरह से आपके सामने है। तो गाइज हम कुछ देर चलेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है। एक इस गांव की एक खासियत यह है कि गांव में हर जात जाति, हर वेशभूषा के, अक्सर तो नेपाल में लगभग 125 जात जाति के लोग रहते हैं, और यहाँ पे 123 किस्म के भाषा बोले जाते हैं। और एक ही गांव में, इस गांव में लगभग आपको 30 से 40 जात जाति के लोग मिलेंगे, भाषा भाषी के लोग मिलेंगे, लेकिन इन सब में आपस में बहुत मेल मिलाप है, ऐसे झगड़ा झगड़ा होने की कोई बात ही नहीं है। गाइज आप देख रहे हैं वहाँ पे घर बन रहा है, एक खूबसूरत से फार्म हाउस बन रहा है। एक यहाँ पे के लोग आए गेस्ट यहाँ पे घूमने के लिए, जब भी आए तो यहाँ पे इस जगह को घूम सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को ये जगह बहुत खूबसूरत लगी होगी, मुझे तो भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन आई होप कि आपको भी खूबसूरत लग रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और कॉमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की ही हेल्प से मैं आगे बढ़ पाऊँगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं पहली मरतबा वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग्स की वीडियो, तो मुझे ये बात पता नहीं होगा कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। गलती तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो मेरी पहली मरतबा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज वीडियो को पसंद कर दीजिएगा ज़रूर, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।